के बाद व्लॉग बनाने जा रहे हैं बिकॉज आज फाइनली हम घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोकेश को थोड़ा काम है तो वो थोड़ा घर से अभी दूर जा रहे हैं और मैं भी 2 मंथ के लिए घर जा रही हूँ। और अभी हमारे साथ है लोकेश, फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी ये देखिए अंदर बैठे हैं और मैं इधर धूप में बाहर वीडियो बना रही हूँ। लोकेश और अंशुल, हाय, पूरा खा लो, अकेले अकेले खा रहे हो मेरे को, चलो खा लो, छोड़ के रखना। तो फिलहाल अभी हम वहाँ से तो निकल गए हैं और थोड़ी आगे पहुँच गए हैं, तो शायद बिहार पहुँचने वाले हैं, पता नहीं कहाँ है तो पता नहीं लगता इधर। तो फिलहाल अभी यहाँ पे पेट्रोल वगैरह डलवा दिया और अभी चलिए चलते हैं। और ये है हमारे हैवी ड्राइवर जो अभी ड्राइव कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे खाना पीना शुरू हो चुका है, मैंने बनाई है मैंने भिंडी की सब्जी और चपाती बनाई है जो कि बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। सब्जी मैंने बनाई, झूठ बोल रहा है, ये कुछ काम नहीं किया इसने, सुबह से सारे काम मैंने किए हैं। ये बनाई है, देखो ये वाला आपने बनाया था, मैं बाहर गई थी, मैं कूड़ा फेंक रही थी तब बनाया था। और बाकी ठीक है, खा लेते हैं अभी खाना फिर चलते हैं आगे। और गाइस अभी हमारा खाना पीना हो गया और अभी इन्होंने देखिए लोकेश को बोला मैंने कि जो भी ये इधर है इसको ढंग से रख दो, बट कहाँ संगेला पाँव चली जाइए ना, बाकी मीन जो बोलाएंगे साफ कर दे सब कुछ, ठीक है आप ऐसा कोई काम नहीं है, संगेला पाना ही है, खलारा पाँव चली आई फिर बोले मीन जो साफ कर। झूठ झूठ झूठ, आपके साथ बोला ना इसने कि इसने ही चपाती बनाई है, इसने ही सब्जी बनाई है, सब्जी मैंने बनाई थी और चपाती इसने बनाई थी, और वो थी चपाती देखिए आपने, आपको मैंने बताई कि कैसे जली हुई थी, बिल्कुल ही खराब, मतलब आप सोचो कि कैसे बनाती है ये करो मेरी कसम की वो चपाती मैंने बनाई, चपाती के बारे में कसम क्या करनी। और आप देख सकते हैं कि एक कितना झूठ बोल रही है अभी, देखिए ये मेरी कसम नहीं खा रहे तो आपको पता होगा कि ये झूठ, तो आप खाओ कसम की आपने सब्जी बनाई आपने रोटी बनाई है, खाओ देखा बस ये भी नहीं खा रही है, मतलब ये भी झूठ बोल रही है। तो अभी रुके हुए हम बिहार में, थोड़ा भूख लगी थी सबको, अंशुल भी बोल रहा था कि भूख लगी है तो ये भी बोल रही थी, तो मैंने भी बोला चलो खा लेते हैं। अभी अभी तकरीबन 2:30 बज चुके हैं, 2:15 हो चुके हैं और अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, क्योंकि रात को भी सफ़र हम करते रहेंगे, क्योंकि जर्नी क्या है जो सफ़र है बहुत लंबा है, 2000 किलोमीटर का है, ये हम रात को भी सफ़र करते रहेंगे और चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, देरी क्यों करनी, अभी निकलते हैं सुबह आराम करते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पे रुक चुके हैं मुजफ्फरपुर में, बोल रहा था अंशुल भी बोल रहा था काफ़ी थक चुका हूँ, कंटिन्यू 3 घंटे से चल रहा है, 3 घंटे हो गए इसको ड्राइव करते हुए, थक चुका था। तो ऐश्वर्या और अंशुल जा रहे हैं अंदर, बोल रहे थे चाय, कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं और टाइम भी हो चुका है तकरीबन 5 बज चुके हैं। तो उसके बाद अभी हमने पूरी रात तो नहीं ट्रैवल करेंगे, कुछ 2-3 घंटे ट्रैवल करेंगे, तकरीबन 9-10 बजे तक ट्रैवल करेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, फिर सुबह निकलेंगे, फिर देखते हैं कल हिट हो जाता है चंडीगढ़ या नहीं। और चलो चलते हैं अभी चाय वगैरह पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो अभी सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं और अभी थोड़ा चाय का टाइम हो गया है, चीनी दबाई भी नहीं ऐसे ऐसे भी आई थोड़ी है। लोकेश को चाय में चीनी नहीं लग रही है, ये बोल रहे हैं कि चीनी कम है, चीनी तो है ही नहीं। Thank you.
हजार किलोमीटर का सफर है तो बारी बारी चेंज होना तो बनता ही है। तो आज शायद हम पूरी रात सफर ही करने वाले हैं और कल चंडीगढ़ पहुंच के रुकेंगे, वहां पे रेस्ट करेंगे, कल का दिन चंडीगढ़ में हमारा, फिर परसों हम घर के लिए निकलेंगे। और फाइनली अभी हम यूपी में पहुंच चुके हैं और हमें रात भी हो गई है, रात के अभी 8 बज चुके हैं और बहुत जोरों से भूख लग चुकी है। अभी हम 9 बजे तक करेंगे डिनर। तो और अभी रात के 9 बज चुके हैं, हम लखनऊ हाईवे पे हैं, यहाँ से लखनऊ शायद 250 किलोमीटर कुछ ऐसा है। और अभी हमें यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखा तो डिनर का टाइम भी हो गया है और बहुत जोरों की भूख भी लग पड़ी है। सो लोकेश अभी अंदर पता करने गए हैं कि यहाँ पे क्या क्या बना है और अंशुल वहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे फ़ोन पकड़ा है। मैं भी अंदर चलती हूँ, देखते हैं अंदर क्या क्या है। पूछा आपने चाइनीज फूड खाने का मन कर रहा था तो मैंने चाउमीन ऑर्डर करे हैं और लोकेश और अंशुल ने पनीर चपाती कुछ ऐसा ऑर्डर करा है और अभी वेट कर रहे हैं और अभी इनकी चपाती और पनीर आ गया है तो अभी अंशुल जी इसको सर्व करने वाले हैं। कैसा है? कैसा है? और मेरे नूडल्स भी आ गए हैं। कितने बजे हैं अभी? 3। बहुत ही परेशान हो चुका है यहाँ पे और ये देखिए तो भूख के हमारे इनका मुंह भी उतर गया है। अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 10:43, मतलब 10:45 हो चुके हैं और ये चल साढ़े साढ़ी बस एक कॉल दूर हम तैयार हैं दिल्ली पुलिस, ये तो HR है हरियाणा। एंड गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्या, अभी तो आफ्टरनून होने वाला है और अभी जाके हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पूरी राइट रात ड्राइव करा है और मैंने भी किया है, 50 किलोमीटर मैंने भी चलाई है, बाकी इन दोनों ने चलाई है, मैं तो सो गई थी, ये दोनों चेंज होते रहे। और अभी हम पहुँच गए हैं दिल्ली में, तो पहले हमने सोचा कि हम जल्दी जल्दी रास्ता कवर कर लेंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे। तो फिलहाल अब यहाँ दिल्ली में पहुँच गए हैं, अभी थोड़ा खा पी लेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर चंडीगढ़ में आज हम स्टे करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, रात को ढंग से सोने को भी नहीं मिला क्योंकि गाड़ी में क्या सोना, न नींद आनी न कुछ न काम। लग रहे हैं
और फाइनली गाइज अभी हम चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं। काफ़ी सुबह से ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मतलब तो ऐसा हो रहा था बीच बीच में कि वीडियो बनाने का भी बहुत कुछ था पर मन ही नहीं कर रहा था, सिर में भी बहुत दर्द हो रही थी सुबह से। तो अभी जाके थोड़ा बेटर फील हो रहा है क्योंकि अभी थोड़ा शाम का टाइम हो गया है। और अभी हम यहाँ पे KFC के बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि इनको पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा नहीं सॉरी यहाँ पे बर्गर ही है, मेरे को पिज़्ज़ा खाना था तो मेरे को तो थोड़ा आगे रुक पड़ा है, वहीं पे पिज़्ज़ा मिलने वाला है, यहाँ पे सिर्फ बर्गर है। और तो फ़िलहाल मैंने बोला कि मेरे लिए फ्रेंच फ्राई और पेप्सी ले आना, तो पिज़्ज़ा हम थोड़े आगे खाएंगे और घर भी हम 11-12 तकरीबन पहुँच जाएंगे। पहले हमने डिसाइड करा था कि हम आज चंडीगढ़ में ही रुकेंगे पर सोचा कि चलो काफ़ी टाइम बाद घर जा रहे हैं तो अभी तो घर जाने की जल्दी लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी घर जाएं, तो यहाँ पे रुकना है कैंसिल। सो अभी सीधा घर के लिए निकलेंगे और 11-12 बजे तक पहुँच जाएंगे। अभी वो अंदर गए हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ बाहर पे, मेरे हवाले गाड़ी को छोड़ के गए हुए हैं। और करते हैं ब्लॉग का एंड गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर, कमेंट और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, घर वाले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना। ओके बाय बाय, टेक केयर।